वो है हमारी यंगर जनरेशन, द यूथ ऑफ द कंट्री. और हमारी यूथ को जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की तारीख में, चलिए उनके बारे में भी थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं. यू नो द वन दैट वन वे दैट शॉर्ट शॉर्ट वे दैट वी कैन ग्रैब देयर अटेंशन अटेंशन ऑफ द यूथ इज़ बाय सोशल मीडिया नाउ. और आज की तारीख में वही अपील जो कि यंगर ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के साथ में जो हैं, उनका नाम है खान सर, जो कि आज हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं. इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एंड प्लीज आइए सर, मुझे स्टेज पर ज्वाइन कीजिए. सब लोगों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि घर पर भी अब आपके सारे रिश्तेदार आपको खान सर बोलने लगे हैं, आपका नाम बन गया है वो? हाँ, अब लगभग सब लोग यही नाम से बुलाने लगे हैं. मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के फ़ोन में, बिकॉज मैं रंगीली रुचि के नाम से रेडियो पर हूँ तो रुचि नहीं रंगीली लिखा होता है, तो मेरे साथ में ये एक घटना हो गई. लेकिन आपके साथ में तो एक अच्छी बात हो गई है कि लोग आपको सर बुलाते हैं. कभी कभी हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही जानने लगते हैं. बिल्कुल, वही हम लोग के साथ भी वही है. आपसे क्या सवाल पूछूँ मैं, मतलब आप सबसे सवाल पूछते आए हैं, मुझे यहाँ पर थोड़ी शर्म आ रही है आपसे सवाल पूछने में. सवाल आपको पूछना है, आप हमसे कहिएगा कि हम क्या सवाल पूछे. हम लोग तो एक एजुकेशन के सेक्टर से थे जी, और जब हम लोग इसकी शुरुआत किए थे एजुकेशन में, तो हमें नहीं लगा था कि इतना एजुकेशन को हम लोग वर्ल्ड लेवल तक ले जा सकते थे जी. कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ का दुख लगता था कि हमारी जो भारत का कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमें विश्व गुरु कहा जाता था जी. दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे, आज भारत से लोग जा रहे हैं. एक हमारा सपना है, पता नहीं कब ये पूरा होगा, कि बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और हम इस जन्म में इस सपने को पूरा होते देख कर ही जाएंगे. क्या बात है. लेकिन कुछ ना बहुत ही पिक्यूलर चीज़ें होती है जो कि टीचर्स करते हैं जो एक क्लासरूम में होती है, जैसे कि आज की तारीख में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में तो चौक सीधा आगे से फेंक करके जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर निशानेबाजी लगाई जाती थी, या फिर गेट आउट ऑफ द क्लास हो जाता था, या फिर नील डाउन होता था, या फिर मुर्गा बनाया जाता था, या फिर हैंड्स अप कर दिया जाता था. तो आप ये सब मिस करते हैं क्या व्हाइल यू टेक क्लासेस? नहीं नहीं, ये तब होती है जब क्लास बोरिंग हो जाती है तब. हाँ. तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि क्लास में कभी बोरिंग फील ना हो. तो हम अपने टीचर्स के ग्रुप में भी एक बात ये बोलते हैं कि फिजिक्स का सबसे उटपटांग चीज होता है क्वांटम फिजिक्स जी. हम कहते हैं कि जो कभी पढ़ाई नहीं किया है, एक मजदूर भी अगर थक के आ रहा है, उसको भी आप इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं कि वो भी बोर ना हो, उसको भी समझ में आ जाए. तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. और हम टीचर्स को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है 2 घंटे की फिल्म के लिए 2 साल, आप भी 1 घंटे के क्लास के लिए 5 घंटे मेहनत कीजिए, कोई लड़का नहीं सोएगा. और हम तो लड़कों को भी यही कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे में दम है तो भूल के दिखाओ. वाह क्या बात है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि YouTube, जिसके ज़रिए आप एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच पा रहे हैं, YouTube एक शिक्षा का माध्यम इन इंडिया, ये जो एक टॉपिक है इसको अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाएंगे, सो दैट पीपल ऑल्सो नो जो कि आज तक शायद आपकी क्लासरूम का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें पता चले कि क्या किस लेवल का इम्पैक्ट है जो कि आपने भारत में जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर बनाया है. यूट्यूब एक शिक्षा का माध्यम. देखिए, पहले एजुकेशन, अभी क्या हो गया, एजुकेशन एडटेक हो चुका है. एडटेक इन द सेंस एजुकेशन के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा. अब शुरुआत में हम लोग भी इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए थे. 2019 के टाइम पे जब हमें कहा गया कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन बताया जाए, तो चूंकि हमारे पास पटना में हम एक सेंट्रिक थे, वहाँ पर सबसे बड़ा क्लासरूम था, तो हमें लगता था कि लड़कों को हम यही पढ़ा रहे हैं. लेकिन उस समय जिन लड़कों को जगह नहीं मिलती थी तो कुछ खड़े रहते थे, जिन्हें नहीं मिल पाती थी वो घर लौटते थे. बाद में जब कोरोना आया तो मजबूरी में हमको आना पड़ा यहाँ पर, और कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ पे. तो हम तो जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक क्लासरूम तक लिमिटेड थे, और अभी क्या है, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह कोई भी देख सकता है. तो इससे कई फायदे भी हुए हैं और कई नुकसान भी, मतलब फायदे ज़्यादा हैं. अब जो पढ़ने वाला है वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है, इससे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को है. पहले क्या था, छोटे से क्लासरूम में टीचर्स उतना सिंसियर भी नहीं रहते थे. अरे 100 लड़के बैठे हैं, क्या दिक्कत है, अभी पूरी दुनिया देख रही है. और यही नहीं, जिंदगी भर वही रहेगा यहाँ पे, अगर कुछ भी अगर गड़बड़ निकला तो फिर तो पूरी व्यवस्था कर देगा. तो पहले के तुलना में पढ़ाई अब टीचर्स के लिए भी और मेहनत है, क्योंकि पहले तैयार करके आना है, पहले बोर्ड में ऐसे बना देते थे, अभी क्या है स्क्रीन लगी रहती है, तो उस स्क्रीन पर क्या पीपीटी चलेगा, किस तरह के इमेजेज रहेंगे, वो पहले से लोड करने रहते हैं. तो ये लड़कों के लिए तो और बेनिफिशियल है. और यूट्यूब की एक खराबी है एजुकेशन के खास तौर पर, यहाँ के
सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सबके पास है, कोई भी देख सकता है, कंपेयर कर सकता है किसी और से। तो जब तक हम यूनिक नहीं देंगे, सबसे बेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ें लड़कों को अच्छी नहीं लगेगी। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक पे अगर कोई क्लास हमारा देख रहा है, जैसे लेट सपोज अभी यूक्रेन और ये रसिया चल रहा है यहाँ पे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस क्लास को देखने के बाद उसके पास कोई डाउट ना रहे। इट मीन्स कि उस एक बार लेक्चर देख लिया तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम पूरी समझ में आ जाना चाहिए। तो यूट्यूब भी एक अच्छा माध्यम है। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारे लड़कों को शहर में बड़े सेंटर्स पे पैसे की कमी से नहीं बुला के पढ़ाया जा सकता। आज भी गरीबी की वजह से पढ़ाई छूट रही थी, तो ऑनलाइन में ये हुआ कि एक बार सेटअप कॉस्ट है, उस पर कितने लड़के पढ़ेंगे ये कोई लिमिट नहीं है। तो इससे क्या हुआ ना कि हम क्वालिटी एजुकेशन एकदम सस्ते में पहुंचा सकते हैं। हम 6 महीने का कोर्स 200 रुपये में पूरे गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। और पहले कहा जाता था गवर्नमेंट 100 रुपये देती है तो पब्लिक तक कितना पहुँच पाता है, 15 रुपये की 30 रुपये कितना पहुँच पाता है, लेकिन उतना हम इतना कहते हैं कि हम लोग जितना पढ़ाते हैं उसका 100% गांव के अंतिम छोर तक पहुंचता है। जहां सड़क नहीं पहुंची है वहां भी एजुकेशन एकदम उस क्वालिटी का पहुंच पाता है। ये तो यूट्यूब और ऑनलाइन की फायदा है। आप क्या बात है, ये तो वैसे मेरे सवाल थे, लेकिन वो क्या है कोई ऐसा मैसेज जो कि आप देना चाहते हैं यहाँ पर आज इस मंच पर लोगों को बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। देखिए एजुकेशन के सेक्टर में एजुकेशन स्किल, आज के टाइम पे स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम किस बात पे है, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, क्या पढ़ रहे हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के अंग्रेजों ने लेके गए दिल्ली, वो सबको याद है, 1911 में घोषणा किया, 1912 में लेके चला गया। ये नहीं पढ़ा रहा है कि क्यों ले गया, एक राजधानी बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक सिस्टम में जो चेंजिंग लाने की ज़रूरत थी अब उसको और ज़रूरत है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि आज का जो 5G का ज़माना आ गया है इसमें स्किल्ड की डिमांड है। तो अभी एजुकेशन में 50% इम्पोर्टेंस हमें एजुकेशन, और उतना ही इम्पोर्टेंस स्किल पर भी देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे जितना जल्दी खड़ा हो सके। हमें एम्प्लॉय जो करेंट एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे एक एम्प्लॉय मिल पाएंगे, बट एक ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग वाली डेवलपमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है एजुकेशन में। अब जैसे आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम डेवलप हो पा रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मिसिंग चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, विमेंस को, गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और मेल जो है उन्हें लगता है कि अपने दम पे अकेले ही देश को लेके चले जाएंगे, और आज़ादी से लेके आज तक वो ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारे देश की विमेंस और मेंस एक साथ आ गए ना, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे, हम तो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं, वो नहीं भेजना चाहते। हमारे यहाँ शुरुआत में जब गर्ल्स पढ़ने आती थी तो उनके गार्जियन आते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मतलब घर से बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों की संख्या क्लास में हम लोग देखते हैं इतनी ट्रेमेंडसली ग्रो की है कि गार्जियन लोगों को भी कई बार हम लोग के पास गार्जियन आते हैं, उन लोग हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। हम लोग उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं और कहते भी हैं लड़कियों से कि जो माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेजे हैं तो समाज से लड़ के भेजे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर आप खाली हाथ गाँव लौटिएगा तो आप उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक दीजिएगा जिनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और लड़कियों के अंदर ये होता है, वो जॉब के बाद भी वो काफ़ी ईमानदारी से अपने वर्क को करती हैं। हम जो एक छोटे से पटना से हम स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे जब ग्लोबली हो गया तो हमें अब इंडिया के बाहर भी अपने सेंटर्स डालना है बहुत जल्दी इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सपना है विश्व गुरु भारत को एक जगह जहाँ ले जाना था। तो कॉरपोरेट ऑफिस जब हम लोग ने दिल्ली में डाला तो वहाँ 250 एम्प्लॉई जब आए तो वहाँ हमको एक चीज़ फील करने को रहता था कि जहाँ 10 लड़के बैठ जा रहे थे वहाँ कुछ अपनी गपशप भी करने लग रहे थे, कभी डिसिप्लिन की इशू आ रही थी, कभी कोई कैसे आ जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको परेशान हो गए थे समझाते समझाते, आप बिलीव नहीं कीजिए बिना मेहनत वो सॉल्व हो गया एक दिन के अंदर। हम लोग ने 15 के बीच में ना एक गर्ल्स को रख दिया, अब उसके बाद से कोई मेहनत नहीं करना है, पूरी डिसिप्लिन है हर 10-15 के बीच में। तो ये तो पावर होता है उनके अंदर, तो उनको अपनी पावर पहचानने की जरूरत होती है।
कई बार ना वो इतनी फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है उनको ना कि वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहती है वो उससे भटक जाती हैं, क्योंकि उनको ना हर उनका अपनी शक्ति उनके अंदर पावर है। जिस तरह से जामवंत की जरूरत थी हनुमान जी को उनकी शक्ति बताने के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन क्लास में, हम तो यही कहते हैं, जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान में एजुकेशन वाले में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हो जाएंगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाले, आने वाले कुछ समय में देश अपने से बदला हुआ नजर आने लगेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन मेरी मम्मी कहें कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्ज़ाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए ज़िम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। ब्यूटिफुल। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती कहेंगे कि दो रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज़ अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए, वो इस देश को बदल सकती हैं। 1947 से पुरुष लोग मेहनत कर रहे हैं और उनको पता नहीं कब तक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पर रुक ही जाएगी, तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने ना दे लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए, माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन, हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियाँ पढ़ने आती। एक बार हमारे संस्था की बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई बेचारी कैसे जाएंगे। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, एक दो दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहें कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमें उनसे कहे कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए, हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है, हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में और जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। तो एजुकेशन के लिए हम जरूर कहेंगे कि इस जगह में थोड़ी सी कमी होती है तो लड़कियों को आगे जरूर बढ़ाया जाए। मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, शब्द नहीं है मेरे पास यहाँ पर अब कुछ कहने के लिए। आपको कितने एम्प्लॉयज हैं अब आपके पास, मैं बता रहे थे अलग अलग सेंटर पे अलग अलग हैं, बट जिस सेंटर का हम एग्जांपल दिए हैं लगभग उसमें 250 से 300 है। इंडिया में देखें तो मतलब कुल मिला के आपके पास कितने हैं, खान सर द ब्रांड के पास में कितने एम्प्लॉयज हैं? अभी तो हम लोग 250 से मतलब 400 के आसपास हैं, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग और ब्रॉड लेके जाएंगे। 400 के आसपास नहीं होता है, 400 लोग हैं जो कि आपके साथ में इसमें जुड़ गए हैं। इट्स अमेजिंग, दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने अपने कंधों पर ली है, जिम्मेदारी ली है कि आप इतने लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उन्हें भी आप काम दे रहे हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई। इट्स ब्यूटिफुल, आपने मुझे जो आज इंस्पायर किया है मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। थैंक यू। और जो दो आंसू मुझे यहाँ से बैठ करके खड़े होकर के आपकी आंखों में दिख रहे थे वो भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि महज ये एक पैसा और फंड रिलीज का नहीं बल्कि एक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की बात होती है। CSR फंड की अगर जब बात करें तो सबसे ज़्यादा CSR फंड होता है वो एजुकेशन में खर्च होता है, दूसरे नंबर पर हेल्थ आता है, और इसी तरह से तमाम बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एजुकेशन की बात हो और खान सर का नाम ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। द CSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड के मंच पर खान सर बतौर यूथ आइकॉन इनसे इनको नवाजा गया। हमारे साथ खान सर मौजूद है। सर,
एजुकेशनिस्ट हैं आप, सीएसआर और एजुकेशन को बिल्कुल अलग से नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब इसको अलग नहीं किया जाता, इसको जोड़कर ही देखना ज़रूरी है सर, कैसे और क्या? देखिए सबसे पहले तो जो आपका ये सीएसआर जनरल जो आपने लोगों ने इधर ऑर्गेनाइज़ किया, ये सबसे सल्यूटेबल वर्क है आप लोग का, क्योंकि जो कंपनियां इतने हैवी टैक्स रेट, देखिए जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब के बावजूद अगर कोई अपने उसमें से सीएसआर के लिए अलग से फ़ंड निकाल रहा है, इट मीन्स वो उसके लिए भी उसको आप लोगों ने जो अप्रिसिएट किया, ये बहुत बेहतरीन काम है। और जो सीएसआर फंड को जो एजुकेशन की ओर ले आया जा रहा है, इसमें से वुमेन एजुकेशन है, जो महिलाओं के लिए एजुकेशन है और ख़ास करके रूरल एरिया में, इसमें फंड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सर एजुकेशन में आप काम करते हैं, आप कुछ अपील करना चाहेंगे कॉरपोरेट के साथ कि कुछ आपके साथ कुछ वेंचर हो, कि क्या क्या अपील करेंगे? अपील ये है कि देखिए एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन एक सबसे लोएस्ट प्राइस पे होना चाहिए, खास करके इंडिया जैसे देश में, हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत शुरुआत से बहुत पीछे रह गया एजुकेशन। तो कॉरपोरेट जो फंड्स आते हैं उनको एजुकेशन में अगर वो ले आके इसका सदुपयोग करते तो अच्छी बात है, हम भी यही कहेंगे कि एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये होता है क्या कि एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है और तुरंत इनकम नहीं देता है, वो उसका आउटकम बहुत लंबे समय बाद दिखता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो कम से कम उसको 5-10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब उसका एक आउटकम दिखेगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ना जो कम समय में आउटकम चाहते हैं, वो लोग इससे भागने लगते हैं। तो एजुकेशन को भी, इस सीएसआर को भी सेक्टर में एक और बेहतरीन ढंग से देखने की ज़रूरत है। सर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ यही होता है कि किताबी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट भी एक एजुकेशन होता है जहाँ पर सीएसआर का अच्छा खासा फंड इस्तेमाल होता है। सर इसको और बाइफरकेट कैसे किया जाए ताकि सीएसआर का जो पैसा है वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सके, मतलब एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है? देखिए एक एजुकेशन में ना आप देखिएगा ना, तो हमारे यहाँ जो रिच फैमिली है उसको तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसके लिए स्किल वगैरह नहीं, वो बेहतरीन ढंग से अपना एजुकेशन देते जा रहे हैं। लेकिन एक जो लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए ना रोजी रोटी है, वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम कमाएं कि पढ़ाएं बच्चों को, तो वैसे लोगों के लिए स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ताकि वो अपनी मिनिमम ज़रूरतों को अपने स्किल के दम पे अर्न कर सके और बाकी वो अपने नॉलेज और आगे स्किल और चीज़ों को निखार के आगे बढ़ सके। तो 50% एजुकेशन पे और 50% स्किल पे, दोनों साथ रखना चाहिए ताकि दोनों एक साथ पैरेलल हो सके। सर आप रिमोट इलाके से आते हैं, आप ऐसे देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूथ है, एजुकेशन आपके लिए एकदम से आपको बिना इससे जोड़ा कर ही देखा जाता है। सर आपसे ये सवाल है कि आपको नहीं लगता कि सीएसआर का जो पैसा होता है या सीएसआर एक्टिविटीज़ होती है वो चुनिंदा जगहों पर ही होती है, जो रूट कॉज है सीएसआर को उसको लेकर कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है? हाँ, अब सीएसआर का फंड कौन किस एरिया में लेके जाता है ये तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन हाँ एक है कि डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है 5G या फिर डिजिटलाइजेशन की वजह से, उससे एक फ़ायदा हुआ है कि जो रिमोट एरिया थे वहाँ तक एजुकेशन अब अच्छे से पहुँच चुकी है, और डिजिटल होने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब लो कॉस्ट में एजुकेशन एफोर्ड हो सकती है। अच्छा सर मैं आपका वक्त ज़रूर ज़्यादा लूँगा क्योंकि आप पकड़ में जल्दी नहीं आते और बहुत सीमित और बहुत कंजर्वेटिव आंसर आप देते हैं, आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें, मेरी बहुत जिज्ञासा और मैं बहुत दिनों से आपसे बहुत सारे सवाल मेरे हैं उसे जानना चाहूँगा। सर आपकी जीवनी, आपका जो संघर्ष है उसे दुनिया जानती है, दुनिया जग जाहिर है वो सर, लेकिन उस जीवन और उस संघर्ष के पीछे के बाद जो मजबूती आपको मिली है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उन सब चीज़ों के बारे में आप हमारे सिर्फ संक्षेप में बताएं। देखिए हम लोग तो एक एजुकेशन से जुड़े रहे हैं लोग, और अमूमन ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोगों को लगता है कि उनका स्किल या एजुकेशन काम आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे लोग अभी भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, जब उटपटांग बातें लोग करने लगते हैं। स्किल एंड एजुकेशन कभी ख़राब नहीं जाता, हम हर लड़कों को कहते हैं जी जान लगा के अभी यंग एज है, मेहनत करो, यहाँ पर जितना ज़्यादा स्किल और एजुकेशन को अपने अंदर लाएंगे वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके रिटर्न देगा ही देगा। लेकिन आजकल के यूथ ना शॉर्टकट भागना चाहते हैं, एक स्किल्ड और एजुकेशन दोनों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। सर सब लोग खान सर कहते हैं आपका नाम, लोग आपके नाम मतलब जानने के लिए लोग कंपटीशन लगाएं कि खान सर का नाम इतना इनाम पाओ, नाम तो बता दीजिए सर। ये नाम में क्या रखा हुआ है, देखिए इंसान को अपने काम से प्रोफेशन बाई प्रोफेशन जाने जाना चाहिए यार, किसी को भी नाम से किसी, हमारा काम एक शिक्षक का काम क्या होना चाहिए, पढ़ाना, पढ़ाई में अगर किसी को कंप्रोमाइज़ हो या दिक्कत है तो उसके लिए हम क्या है उत्तरदायित्व हमारा बनता है यहाँ पे,
पर्सनल चीज़ों में उतना हमको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। हाँ, पर्सनल चीज़ों में आप एकदम से कतराते हैं, लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मिस करते हैं क्या? वो बच्चे जब अपना ध्यान नहीं देते तो चौक फेंकना या फिर बच्चों का टेंशन पाना, वो कैसे संभव हो पाता है? वो टेंशन ही नहीं मिल पाता ऑनलाइन? हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मूड में रहते हैं। जब ऑनलाइन की बात आती तो जब ऑनलाइन देखिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाने के बाद ना चीज़ें हैंडल हो जाती है, और पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगा, किस टॉपिक को तेज़ी से निकालना चाहिए और कहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, तो धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। बहुत शुक्रिया।